अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऐड कर्व डाटा लेबल इन ऑटोकैड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो ये लास्ट ट्राइंग है जो हमने यूज़ की थी अलाइनमेंट के लिए। अभी हमने इसी का कर्व डाटा इस पर लगा के देखना है कि ये कैसे लगता है। इसके लिए भी मैं एक लिस्ट यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं इसको लोड करता हूँ, लिस्ट को एपी। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे लिस्ट है, उसको सेलेक्ट करके लोड पे क्लिक करना है, लोड वंस करना है और क्लोज कर देना है। तो अभी हम इसका कमांड देते हैं। इसकी कमांड है RDGN। ओके, यहाँ पे आपने, अगर आपकी कोई रोड की डिज़ाइन स्पीड है तो आपने वो इसमें एंटर कर देनी है जो आपको टेबल में रिक्वायर्ड है, और अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं जस्ट इसमें एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें पॉली लाइन पे ये जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ। डाटा हमारा इसमें आ गया है। जो एक्स्ट्रा लेबल है आपने इनको डिलीट कर देना है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें PI पॉइंट भी क्रिएट हो गया है और इसमें ये जो डाटा है वो भी टेबल की सूरत में यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन कर्व है, ठीक है, तो उसका आप लेंथ यहाँ पे जो है इस ब्लॉक को आपने जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू, सपोज मैं इसमें 20 एंटर कर देता हूँ, ओके, और मैं इसमें ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो आपके पास अगर कोई ट्रांजिशन कर्व है तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी कर्व का डाटा था, ठीक है, वो यहाँ पे असाइन हो गया है इसमें टेबल की फॉर्म में। ओके, आप इसको अपने हिसाब से जो है अरेंज करके कहीं भी जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है आप वहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्व नंबर जो ऑटोमेटिक मार्क हो गया है, और इसका डिफ्लेक्शन एंगल और कर्व का रेडियस, ठीक है, स्टार्टिंग चैनल जो PC का है और जो PT का है, दोनों चेंज भी इसमें आ गए हैं, सर्कुलर लेंथ भी आ गई है, और जो डिज़ाइन स्पीड हमने इसमें एंटर की थी वो भी इसमें आ गई है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये डाटा हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।